अखंड भारत सध्या राममय झालाय. संपूर्ण भवतालात, अवकाशात आणि मनामनात प्रभू श्रीराम विरघळून गेलेत. अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा दरवळ काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत हा पसरलाय आणि आनंदाची डोही आनंद तरंग म्हणत संपूर्ण देशभरात रामलहरी पसरल्यात. प्रभू श्रीराम मस्तकी धरावा, अवघा हलकल्लोळ करावा असा संदेश देत आणि घेत इथल्या हवा तसंच मातीच्या प्रत्येक कणाकणावर, इथल्या आभाळावर, इथल्या प्रत्येक मनामनावर एकच नाव कोरलं गेलंय आणि ते म्हणजे रघुपती राघव राजा राम. वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी. और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी. उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की. वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, माँ शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए, भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की. उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को, उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया. और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं. और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे, लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा है. भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की. यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है. यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है. यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है. और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है. और निश्चित तौर से हमारे ही संस्कृति में कहा गया है धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है. यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है. यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है. भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भूपर पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रभर, अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय. विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए विष का वमन करना हमारी ही संस्कृति में है. और ऐसे ही आराध्य देव महादेव की वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. ओंकारं विन्दसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः. महादेवं महात्मानं
महाध्यान परायणम महापापहरम देवम मकाराय नमो नमः शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रहकारकम शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः वाहनम वृषभो यस्यः वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवं वकाराय नमो नमः यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राचीन कुबेर का टीला जहां पर अब आधुनिक रूप में जटायु जो कि पक्ष की श्रेणी में त्रेता युग में उन्होंने मां सीता की सेवा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया जिन्हें भगवान श्री राम ने गले लगाया आज वो फिर से अयोध्या के धराधाम पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। एक बार फिर से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिपाक्षी में थे वही स्थल जहां पर जटायु का सबसे बड़ा मंदिर है वही स्थल जहां पर जटायु को सद्गति प्रदान की गई थी वही स्थल जहां पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। आज एक बार फिर से जटायु उसी पराक्रम के प्रतीक के रूप में जो कि अत्याचार के खिलाफ है उसी उत्सर्ग के प्रतीक के रूप में जो धर्म के प्रति उत्सर्ग का द्योतक है आज फिर से जटायु श्री अयोध्या धाम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं कुबेर टीला और आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी उस दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महान जटायु जो कि बाद में हरि रूप हो गए स्वयं भगवान के रूप में वो अपने वैकुंठ धाम में श्री राम ने उन्हें भेजा आज फिर से वो जटायु अयोध्या में पधार चुके हैं और केवल जटायु ही क्यों मुझे लगता है कि अनंत अनंत आत्माएं इस वक्त अयोध्या की धराधाम में आ चुकी हैं अवतरित हो चुकी हैं भगवान श्री राम का बाल रूप में दर्शन करने के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपनी कुछ न कुछ भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में। बहुत पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो यहां बताना उपयुक्त होगा। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन दर्शन प्रीति प्रवृत्ति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म हमारा कर्म हमारी गति है। राम हमारी शान हमारा भाल हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहाँ। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।